नमस्कार, वेब जीरो न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। टोल पर सेना की तैयारी से ममता नाराज, वापस लिया फैसला। नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार देर रात कोलकाता के कुछ इलाकों में सेना की तैनाती पर नाराजगी जताई है। ममता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आपातकाल जैसे हालत पैदा कर दिए हैं। ममता के नाराजगी के बाद राज्य सचिवालय नवन्ना के पास स्थित टोल प्लाजा से सैन्य कर्मियों को हटा लिया गया। हुबली पुल के टोल प्लाजा से भी सेना को हटा लिया गया है। यहाँ सैन्य कर्मियों के लिए बनाया गया एक अस्थायी शेड को भी हटा दिया गया है। सैन्य कर्मियों को हटाने के बारे में सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यद्यपि अभी भी नवन्ना में ही है, जिन्होंने टोल प्लाजा से सैन्य कर्मियों के हटने तक कार्यालय छोड़ने से इनकार कर दिया था। इससे पहले उन्होंने कहा कि वे यहाँ क्यों खड़े हैं। पुलिस आयुक्त ने उन्हें जाने को कहा, लेकिन वे अब भी यहीं खड़े हैं। मैं पूरी स्थिति को करीब से देख रही हूँ। मैं अपने लोगों की संरक्षक हूँ और जब तक सेना यहाँ खड़ी है मैं सचिवालय से नहीं जा सकती। ममता ने दावा किया कि राज्य सरकार को सूचना दिए बगैर यहाँ सेना तैनात की गई। यह अप्रत्याशित है और एक बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि यहाँ सचिवालय एक संवेदनशील क्षेत्र है और टोल प्लाजा एक संवेदनशील जगह है। यहाँ सेना क्यों है? वे भी जो कारण दे रहे हैं वह सही नहीं है। वे झूठ बोल रहे हैं। वे समय समय पर अपने कारण बदल रहे हैं। गृह मंत्रालय के पास विभिन्न राज्यों में चल रहे वाहनों के संपूर्ण आंकड़े हैं। सेना की पूर्वी कमान ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि सेना पश्चिम बंगाल पुलिस की पूरी जानकारी और समन्वय के साथ नियमित अभ्यास कर रही है। यहाँ अटकल गलत है कि सेना टोल प्लाजा का नियंत्रण ले रही है। कोलकाता पुलिस ने हालांकि कहा कि उन्होंने सेना के इस अभ्यास पर सुरक्षा कारणों और यातायात समस्या की वजह से आपत्ति जताई थी। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरियाणा में 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। भारत और नेपाल में भूकंप के झटके, लोगों में दहशत। चूहे के बिल वाली सुरंग से सांबा में घुसे थे आतंकी। नोटबंदी पर सर्वेक्षण के आंकड़े नमो ऐप पर जारी। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने पैदा किया नकदी का कृत्रिम संकट।